हम बात कर रहे हैं इजी ट्रिप की। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में फ़िलहाल हमको 2% के ऊपर के अपसाइड के साथ स्टॉक ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं फ़िलहाल स्टॉक जो है 43.95 पैसे पर ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। गिरावट के बाद स्टॉक ने बाउंस बैक किया है तो एक रेंज में सस्टेन हो रहा है। हम देख सकते हैं 42 से लेके 45 के बिटवीन स्टॉक सस्टेन हो रहा है। इस वक्त हम एक घंटा यानी 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पर स्टॉक को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बाउंस बैक के बाद ऊपर की ओर स्टॉक सस्टेन हो रहा है। यहाँ से हमको बड़ा सेलिंग आप देखने के लिए नहीं मिल रहा है स्टॉक में। अगर गिरावट आनी होती तो स्टॉक में हमको बड़ा सेलिंग देखने के लिए मिलता और इस लो को स्टॉक ब्रेक डाउन करता हुआ नज़र आ सकता था, लेकिन ऊपर की ओर सस्टेन हो रहा है। और इस वक्त स्टॉक जहाँ सस्टेन हो रहा है, काम कर रहा है, हम देख सकते हैं इसका रेजिस्टेंस एरिया है 944 का लेवल, जहाँ पहले स्टॉक सपोर्ट लिया करता था। जब गिरावट आ रही थी तो हमने इस लेवल को तगड़े सपोर्ट के तौर पर भी डिस्कस किया था कि 44 के लेवल का तगड़ा सपोर्ट रहेगा, इसका ब्रेकडाउन मतलब बड़ी गिरावट, ऐसा हमने डिस्कस किया था। तो अब 44 का लेवल रेजिस्टेंस का काम करने वाला है क्योंकि इसको ब्रेकडाउन कर चुका था। अब स्टॉक बाउंस बैक हो रहा है तो ये लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा, 44 का लेवल, और स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के आसपास के, हो सकता है कि आज की क्लोजिंग 44 के ब्रेकआउट पर हमको मिले। अगर इसको ब्रेकआउट करके स्टॉक सस्टेन हो गया, इजी ट्रिप में 44 का ब्रेकआउट देकर ऊपर सस्टेन हो जाता है तो उसके बाद हमको तेज़ी दिखा सकता है, लगातार तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। फिर अगला टारगेट 46, और 46 के ब्रेकआउट के बाद हमको 48 से लेके 50 तक के भी टारगेट शॉर्ट टर्म में इजी ट्रिप में देखने के लिए मिल सकते हैं। और ब्रेकआउट के चांसेस ज़्यादा बन रहे क्योंकि मार्केट भी अब पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है और इजी ट्रिप भी अब ऊपर की ओर सस्टेन हो रहा है, अपने हाई के आसपास सस्टेन हो रहा है। तो वैसे कंडीशन में ब्रेकआउट के चांस ज़्यादा बनते हुए नज़र आते हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।